ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज करवा चौथ है। आज के दिन सभी पत्नियां अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके लिए व्रत रखती हैं। और रात को चंद्रमा देवता को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत पूरा होता है। हमारे धर्म में हर पर्व और व्रत के साथ कई परंपराएं देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ परंपराओं का वैज्ञानिक पक्ष होता है तो कुछ का धार्मिक, और कई परंपराओं का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी होता है। करवा चौथ का पूजन करते समय सर्वप्रथम महिलाएं छलनी से चंद्रमा को देखती हैं और बाद में अपने पति को। ऐसा करने के पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क तो नहीं, बल्कि पत्नी के हृदय की भावना होती है। पत्नी जब छलनी से अपने पति को देखती हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि मैंने अपने हृदय के सभी विचारों और भावनाओं को छलनी में छानकर शुद्ध कर लिया है, जिससे मेरे मन के सभी दोष दूर हो चुके हैं और अब मेरे हृदय में पूर्ण रूप से आपके प्रति सच्चा प्रेम ही शेष है। यही प्रेम अपने पति को समर्पित करते हुए पत्नी अपना व्रत पूर्ण करती हैं। इसके बाद वे मिट्टी के करवे से पानी पीती हैं। मिट्टी का ये करवा पंच तत्व का प्रतीक है, जिसे मिट्टी को पानी में गलाकर बनाते हैं, जो भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। उसे बनाकर धूप और हवा में सुखाया जाता है, जो आकाश तत्व और वायु तत्व के प्रतीक हैं। फिर अग्नि तत्व यानी आग में तपाकर बनाया जाता है। हमारी संस्कृति में पानी को ही परब्रह्म माना गया है, क्योंकि जल ही सब जीवों की उत्पत्ति का केंद्र है। इस तरह मिट्टी के करवे से पानी पिलाकर पति पत्नी को अपने रिश्ते में पंच तत्व और परमात्मा दोनों को साक्षी बनाकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की कामना करते हैं। अगर आप करवा चौथ की तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें हमेशा गणपति जी विराजमान होते हैं। और इस बार का करवा चौथ व्रत इसलिए भी खास है क्योंकि ये व्रत बुधवार को पड़ रहा है और आज बुध के कारक देवता विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को भी प्रसन्न किया जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सुहागन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत जल ग्रहण करके व्रत को पूरा करती हैं। ये व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर संपूर्ण होता है। आइए अब आपको करवा चौथ की कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और करवा नाम की एक बेटी थी। एक बार करवा चौथ के दिन उनके घर में व्रत रखा गया। रात्रि को जब सब भोजन करने लगे तो करवा के भाइयों ने उससे भी भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि अभी तो चांद निकला ही नहीं है और वो चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करेगी। सुबह से भूखी प्यासी बहन की हालत उन भाइयों से देखी नहीं गई और इसलिए सबसे छोटे भाई ने एक दीपक दूर पीपल के पेड़ में प्रज्वलित कर दिया और अपनी बहन से बोला कि लो ये छलनी और इससे चांद को देख लो, क्योंकि चांद निकल आया है। करवा को अपने भाई की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने उस दीपक को चांद समझकर उसे अर्घ दे दिया। और उसके बाद जैसे ही खाने का निवाला खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। शोकातुर होकर वो अपने पति के शव के साथ 1 वर्ष तक बैठी रही। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसका पति पुनः जीवित हो गया। करवा चौथ मैया की कृपा अपरंपार है। उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन तो सुखी होता ही है, पति की आयु भी निश्चित तौर पर लंबी होती है और उसे हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है। आज की करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के समय 1 घंटा 18 मिनट के लिए होगा। ये समय 5:34 से 6:52 तक होगा। इसी बीच महिलाओं को पूजन कर लेना चाहिए। आज चांद निकलने का समय रात्रि 8:16 है। आज की शाम जब आप चंद्रमा देवता को अर्घ्य दें तो उसमें कुछ गुलाब की पंखड़ियां भी डाल लें। इससे शुक्र देवता भी प्रसन्न होते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। ओम श्री गणेशाय नमः। जय करवा चौथ मैया।